हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम बनाएंगे आलू का पराठा, वो भी मटर वाले। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। इधर हमने कढ़ाई में सरसों का तेल डाल दिया था, तेल गरम हो गया है। हमने अजवाइन डाला है, अजवाइन को ज़्यादा नहीं भुनेंगे, बारीक कटे हुए प्याज डाल देंगे, दो बड़े साइज के बारीक कटे हुए प्याज हैं, उसको हल्का भुनेंगे, ज़्यादा नहीं भुनना है। हरा मटर है, उसे हम डाल देंगे। एक चम्मच नमक डाल देंगे, जिससे मटर जल्दी से पक जाए और भुन जाए। मिक्स कर देंगे। आधी छोटी चम्मच से भी कम हींग डाल देंगे। उसको ढक देंगे, धीमी आंच पर पकने देंगे। अब चेक करेंगे कि मटर पका है कि नहीं। चला देंगे। मटर का आलू की पूड़ी खाने का स्वाद ही अलग है। ढक देंगे, अभी मटर नहीं भुना है। फिर चेक करेंगे हमारा मटर भुन चुका है कि नहीं। प्याज भी हल्का गोल्डन ब्राउन हो चुका है, मटर भी भुन चुका है। हम आपको दिखा रहे, दबा कर ये देखिए मटर पक चुका है। अब इसमें हम मैश किए हुए आलू डाल देंगे। नए आलू था, उसका आलू का पराठा बनाएंगे। सारे आलू को डालकर हम मैशर से उसको मैश कर दे रहे हैं। इधर हम चटनी डाल रहे हैं, लहसुन मिर्ची और धनिया का पेस्ट है ये, तीखा जितना आपको पसंद हो। हम दो चम्मच डाले हैं, एक छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, नमक हम थोड़ा ही डालें क्योंकि मटर को भूनते वक्त हम नमक डाले थे। इधर स्वाद अनुसार ही नमक डालेंगे। हरी धनिया डालेंगे बारीक कटी हुई, हरी धनिया थोड़ा ज़्यादा डालें। सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। सभी को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। आधा मिनट तक इसको थोड़ा और भून लेंगे। ये भुन चुका है, इसको ठंडा होने पर थोड़ा इसको हम भरेंगे। ये देखिए आलू थोड़ा ठंडा हो चुका है। फिर हमने आटे की एक लोई ली है, थोड़ा सा बड़ा साइज का है। सूखा आटा लगाएंगे, छोटा इसको बेलेंगे रोटी के आकार का। इसको बेल कर ही पूरी भरे, जल्दी भर जाता है। देखिए इतना छोटा हमने बेल लिया है। स्टफिंग लेंगे एक बड़ा एक चम्मच। अब इसको चारों तरफ से ऐसे बंद करेंगे। इस तरह से बेल कर आप भरें, जल्दी से ये भर जाता है। ये देखिए अब थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे हम, इसको बेलेंगे। हल्के हल्के हाथों से बेलना है। ये देखिए बेल चुके हम, ना ज़्यादा छोटा ना ज़्यादा बड़ा। एक और भर कर हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए आटे की एक लोई, इसको हम बेल लेंगे। रोटी के आकार का ये देखिए बेल चुके। अब एक चम्मच स्टफिंग लेंगे हम, थोड़ा सा और लेंगे। देखिए ऐसे बंद करना है इसको, नीचे से लेकर ऊपर तक। फिर हाथों से थोड़ा सा दबा देंगे, धीरे धीरे, ज़्यादा नहीं। सूखा आटा लगाएंगे, इसको हल्के हाथों से
बेलेंगे। मटर का आलू का पराठा बहुत ही स्वाद लगता है खाने में, खासकर ठंडियों में बनाकर खाएं। ये देखिए तवा गरम हो चुका है, हम पराठा डाल दिए, हम सिक चुका है, इसको पलट लेंगे। मीडियम आंच पर ही सेकें इसको। हल्का सिक चुका है, पलट लेंगे। हल्का एक चम्मच तेल लगाएंगे हम, रिफाइंड ऑयल। इसको पलट लेंगे हम, इस साइड भी हम एक चम्मच तेल लगाएंगे। इसे भी पलट लेंगे। ये देखिए पीछे साइड सिक चुका है आलू का पराठा, सॉस के साथ खाइए। तीखा तीखा आलू का पराठा गरम गर्मा गर्म। देखिए पराठा सिक चुका है। अगर आपको यह रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और भी वीडियोस देखने के लिए।